Students, welcome you all in your subject Social Science. Today we are going to start a new chapter, okay, livelihood. Okay, देखो जीवन निर्वाह. A person's life is affected by his or her surrounding. देखो हम सबकी लाइफ अपने आसपास जो है मतलब person, environment उससे affected है, बराबर. जैसा मतलब जैसा माहौल है उस हिसाब से हमारा हमारी लाइफ होती है. वी सी अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी अबाउट अराउंड अस. यस, हमारे आसपास हम बहुत ही डाइवर्सिटी देखते हैं. मतलब कि देखो आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वो अलग है, लोग हैं उसमें काफ़ी डिफरेंसेस है. किसी का नेचर अलग है, किसी का क्रूअल नेचर है, किसी का काइंड नेचर है. ओके, सबके लुक्स अलग है, तो बहुत सी डाइवर्सिटी हम देखते हैं. सबका फूड अलग अलग है. The most important things that about the village life is that the villagers are minimum facilities. हाँ, जो villages हैं उसमें most important things ये देखी जाती है कि उनके पास है ना थोड़ी मतलब बहुत limited facilities होती हैं. Okay, they are connected with the economic system in different ways. वो economic system से अलग अलग वैसे सब एक साथ जुड़े हुए हैं. मोस्ट ऑफ पीपल आर एंगेज इन फार्मिंग. आप देखते ही होंगे गांव में सब लोग ज़्यादातर फार्मिंग करते हैं, खेती का काम करते हैं, राइट. लोकल अरेंजमेंट्स एंड लोकल एनवायरनमेंट डायरेक्टली अफेक्ट द विलेज लाइफ. यस, जो आसपास का जो अरेंजमेंट है ओके, और उनका जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से उनकी लाइफ होती है, क्योंकि वो सब उनको इफ़ेक्ट करता है उनकी लाइफ में. जैसे कि कोई फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं तो ऐसे गांव में उनको उस टाइप की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो वो उस हिसाब से जीते हैं. मतलब वहाँ पे आप पिज़्ज़ा बर्गर वो मांगोगे तो वो नहीं मिलेगा. ओके, हाँ, आपको जो मिल्क है, मिल्क और जो वेजिटेबल्स हैं वो आपको प्योर मिलेंगे. तो सबकी ऐसे ऐसे मतलब कि जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है उस हिसाब से उनकी लाइफ सेट होती है. विलेज लाइफ मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ लाइवलीहुड एंड एनवायरनमेंट. कि गांव का जो जीवन है वो मतलब वैसे ही होता है कि जो जैसा माहौल है उस हिसाब से उनकी लाइफ सेट हो जाती है. अपार्ट फ्रॉम द लाइव्स ऑफ विलेज पीपल वी विल डिस्कस अबाउट देयर फैसिलिटीज एंड प्रॉब्लम्स. तो आज हम देखते हैं उनकी क्या क्या उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं और कैसी कैसी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती हैं. ओके, आवर कंट्री इंडिया हैज़ वंडरफुल यूनिटी इन डाइवर्सिटी. वी नो दैट, पहले ही हमने देखा है इन फर्स्ट सेम कि हमारा जो कंट्री है पूरा डाइवर्सिटी से है. मतलब सब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जो रीजन्स है उसके हिसाब से सब अलग अलग है. सबका फूड अलग है, फेस्टिवल्स ओके, सबके लैंग्वेजेस, बहुत सी डाइवर्सिटी हैं. आवर कंट्री हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफाई ओके अमिडस्ट रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिटी. बोला ना मैंने कि सब ऐसे ही है, सब बहुत से उसमें बहुत सी विविधताएं हैं. देर आर मोर देन 5,000 सिटीज एंड अबाउट 27,000 स्मॉल एंड बिग टाउन्स. देखो हमारे जो कंट्री है उसमें जो बड़े बड़े सिटीज़ कितने हैं, 5,000 से भी ज़्यादा, और 27,000 से ज़्यादा तो छोटे मोटे टाउन्स हैं. ओके, जिसे आप बिग सिटी भी नहीं बोल सकते और गांव भी नहीं बोल सकते ऐसे. लाइक अवर धुराजी, पीपल कम टू द सिटीज़ फॉर एनवायरनमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजेस. बराबर, तो देखो गांव के लोग अपने आसपास जो शहर होता है वहाँ पे जाते हैं वर्क के लिए. पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑल्सो कम टू द सिटीज़ और टाउन्स. यस, अलग अलग स्टेट से भी लोग आते हैं शहरों में. आवर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स राइट टू सेटल एंड डेवलप ओके पीसफुली एनीवेयर इन इंडिया. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये हक देता है कि हम कोई भी राज्य में जाके अपना मतलब वर्क करके पैसे कमा सकते हैं और वहाँ पे रह सकते हैं.
ओके तो मतलब ये इतनी आज़ादी हमें है. पीपल लिविंग इन सिटीज आर कनेक्टेड विथ वेरियस ऑक्यूपेशंस. यस, सब अलग अलग जो उनके बिजनेस हैं, ऑक्यूपेशंस, अलग अलग जो वर्क है, बराबर, तो उससे सब लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ. सम पीपल वेयर कनेक्शन विद मोर देन वन ऑक्यूपेशंस. कुछ लोग मतलब एक ऑक्यूपेशन में फिक्स नहीं होते, मतलब दो तीन ऑक्यूपेशंस में वो वर्क करते हैं, मतलब रेडी बहुत. देखो जो फार्म में काम करते हैं ना लोग, आपको पता होगा कि जब फार्मिंग का काम तो कुछ सीजन्स में होता है, तो इसके बीच में वो लोग क्या करें, तो इसलिए वो लोग कुछ ऐसा काम करते हैं कि ताकि वहाँ से भी उनको अर्निंग हो, जैसे कि मेसन वर्क. ओके, बढ़िया काम दिखते ना, तो कुछ जो लेबर्स हैं वो ऐसा काम भी करते हैं ताकि वहाँ से उनको या तो कोई फैक्ट्रीज़ में चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए. ओके, तो ऐसे सब लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं. अंडरस्टैंड, वी सी मैनी पीपल अराउंड अस. ओके, एवरी वन नीड्स टू क्रिएट इनकम टू अर्न लाइवलीहुड फॉर फैमिली. क्यों ये सब करते हैं? क्योंकि देखो उनको अपना जीवन जीने के लिए और अपनी फैमिली को सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए पैसे तो चाहिए ना, अर्निंग तो करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे, तो इसलिए वो सब ऐसे अलग अलग वर्क करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं. पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड बाय सर्विस, बिजनेस एंड लेबर वर्क. यस, सब लोग ये तीन वर्क करते हैं, जैसे कि कोई सर्विस करते हैं, किसी का कोई अच्छा सा बिजनेस होता है, या तो लेबर वर्क से हम पैसे कमा सकते हैं. देखो यहाँ पे सब लोग कुछ कर रहे हैं, फार्मिंग वर्क ही कर रहे हैं. चलो ओपन नेक्स्ट पेज. विलेज लाइफ देखते हैं, गांव की लाइफ कैसी होती है. दिशा इज अ सिटी इन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट. देखो दिशा बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट का एक फेमस गांव है, एक सिटी है, वैसे बड़ा शहर है. और शायद आपके मम्मी से आपसे सुना होगा दिशा के पोटैटोस ज़्यादा फेमस है. अ लिटिल फार फ्रॉम दिशा देयर इज़ अ विलेज नेम्ड रामपुर. बराबर, दिशा जो सिटी है कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट का दिशा सिटी है, उसका एक गांव है जिसका नाम है रामपुर. ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर एसोसिएटेड विद द फार्मिंग. यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मिंग से जुड़े हुए हैं. सम पीपल डू फार्मिंग वाइल सम आर बिजी इन कैटल रियरिंग. ओके, इन एक्स्ट्रा टाइम विच इज़ पेड फ्रॉम फार्मिंग. देखो कुछ लोग फार्मिंग से पूरे पूरे जुड़े हुए हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कैटल रियरिंग, मतलब कि पशु का बिजनेस, मतलब उनका जो कैटल होते हैं उनको संभालना, फिर उनके दूध और उनका जो काव डंग है उसे बेचना, वो सब. बराबर, उसमें भी बहुत सा वर्क होता है. और जो मिल्क प्रोडक्ट है, ओके, डेयरी में आप मिल्क ऐसे देते हो तो बहुत सी अर्निंग होती है, तो कुछ लोग इस काम से जुड़े हैं. और जब फ्री होते हैं तो फार्मिंग में भी काम करते हैं. ओके, सम पीपल मेक टूल्स, सम स्टिच क्लोथ्स. कुछ हाँ टूल्स बनाते हैं, जैसे कि ब्लैक स्मिथ होते हैं ना, वो टूल्स बनाते हैं. कोई कपड़े सीते हैं. वन मैन रन्स ट्रैक्टर, कोई ट्रैक्टर चलाता है. ही गोज फॉर प्लाउिंग व्हेन ही इज कॉल्ड. इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ स्मॉल विलेज पीपल डू नॉट हैव टू गो टू द सिटी फॉर अ हेयर कट और सेविंग. देखो एक जो मतलब कि ट्रैक्टर चलाते हैं, खेतों में काम करते हैं, खेतों में वो प्लाविंग अभी ट्रैक्टर से ही होता है, राइट. और कोई सिटी में देखो कोई शेविंग और हेयर कटिंग के लिए तो नहीं जाएगा, तो जब वो ऐसे कुछ काम करते हैं, मतलब कि बार्बरिंग का भी कुछ काम करते हैं, ओके, ये सब काम करते हैं. और जब खेतों में काम करना होता तो वहाँ चले जाते हैं. सो देर आर मेनी स्मॉल एंड बिग शॉप्स. ओके, स्लीपर्स एंड क्लोथ्स आर अवेलेबल इन दिस शॉप्स. तो बहुत सी दुकानें हैं जहाँ पे आपको कुछ सामान भी मिल जाते हैं. मेडिसिंस फॉर फीवर, कॉफ एंड कोल्ड इज ऑल्सो अवेलेबल इन द विलेज शॉप एट दैट टाइम
ऑफ नीड। ओके, तो छोटी मोटी दुकानें भी हैं जहाँ पे आपको दवाई की दुकान, दर्जी की दुकान, तो ये सब आपको मिलेंगे, रेडीमेड कपड़े की दुकान, क्लॉथ्स, वो सब मिल जाते हैं। ओके, एवरीबडी ग्रोज ओके पोटेटोज एंड मिलेट हियर इन द सराउंडिंग विलेजेस। देखो वहाँ पे बाजरा और पोटेटोज, मैंने बोला ना कि ज़्यादा वहाँ पे ग्रो होते हैं, आसपास के गांव में वो ज़्यादा होता है उसका क्रॉप। टेलर, कारपेंटर, बार्बर एंड ब्लैक स्मिथ्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन दिस विलेज। अलोंग विद देयर ऑक्यूपेशन दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द फार्मिंग एंड फार्म लेबर। देखो ये लोग ये काम तो करते हैं, फिर भी जब भी मौका मिलता है और टाइम होता है तो अपने खेतों का काम भी संभाल लेते हैं, मतलब कि लेबर वर्क भी करते हैं फार्म में। वन यंग मैन हैज़ मेड अ शॉप फॉर टी एंड स्नैक्स। यस, किसी की चाय और नाश्ते की दुकान भी होती है। ओके, पासर्स बाय स्टैंड हियर मोर इन नंबर्स देन विलेज पीपल डू फॉर टी एंड स्नैक्स। बराबर, तो वहाँ से जो भी निकलते हैं वो चाय नाश्ता करके जाते हैं, तो उससे भी देखो अर्निंग होती है ना। सबका अलग अलग वे है अर्निंग का। सम फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू आउट द ईयर, कोई पूरा साल सिर्फ वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, और वाइल सम अदर फार्मर्स प्रिपेयर ऑर्चर्ड्स, ऑर्चर्ड्स मतलब फ्लावर्स और ग्रोइंग ओके पोमग्रेनेट एंड अदर फ्रूट्स। तो ये जो ऑर्चर्ड्स है मतलब फ्रूट्स और फ्लावर्स, ये सब ज़्यादा मतलब ये ग्रो करते हैं वहाँ पे, पोमग्रेनेट वो सब ज़्यादा मिलता है, उसे ऑर्चर्ड बाग बगीचा बोलते हैं ना, तो कोई वो भी काम करते हैं। देखो फार्म में क्रॉप्स ग्रो होते हैं और ऑर्चर्ड मतलब बाग बगीचे वो सब। सो पीपल आर सीन ग्रोइंग फ्रूट्स फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स इन द विलेज। तो सब लोग गांव में फ्रूट्स फ्लावर्स और जो क्रॉप है वो सब ग्रो करते हैं। ओके, वेजिटेबल्स भी वहीं पे वो ग्रो होते हैं। देखो आप देख रहे हैं ना, ये गांव का एक सीन है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक जो मेन है वो स्पेड लेके जा रहा है, कोई जो ऐसे ड्राई ग्रास है उसे उठा के जा रहे हैं, टेलर अपना वर्क कर रहे हैं। ओके चलो, सो लेबर वर्क एंड लाइफ इन द विलेज। यस, लेबर वर्क गांव में लेबर वर्क ज़्यादा होता है, मतलब वो आपको ज़्यादा मिलते हैं। एवरीबडी कॉल्स हर मधुबा। बराबर, सी लिव्स इन मालपुर विलेज एंड गॉट मैरिड इन सम विलेज। शी एंड हर हस्बैंड वर्क टुगेदर इन द फार्म ऑफ बिग फार्मर। देखो ज़्यादातर सब लोग मधुबा को बुलाते हैं, वो और उनके हस्बैंड आसपास के गांव में काम, फार्म में काम करने के लिए जाते हैं। ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग हाउस होल्ड कोर्स बोथ ऑफ देम गो टू द फार्म फॉर लेबर एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। यस, आपको पता ही होगा फार्म में जो लेबर आते हैं वो मॉर्निंग से आ जाते हैं, फिर शाम के 6 बजे तक वो वर्क करते हैं, बीच में खाने के लिए ब्रेक होता है उनका, बराबर, बाकी कंटिन्यू वो वर्क करते रहते हैं। तो और उनको एक दिन का जिस मतलब जैसा क्रॉप है उसके अकॉर्डिंग उनको पैसे मिलते हैं। तो ये जो मधुबा और उनके हस्बैंड है वो यही करते हैं, घर का सुबह सुबह उठ के सब काम ख़त्म कर लेते हैं और 8 बजे फार्म में पहुंच जाते हैं। दे हैव टू ओके दे हैव टू डॉटर्स हु आर स्टडिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ विलेज। उनके 2 बेटियां हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। ओके, मुगजी भाई इज़ द नेम ऑफ बिग फार्मर। देखो मुगजी भाई छे वो है ना, वो बड़े से मतलब एक बड़े फार्मर है, क्योंकि उनकी किसी किसी की बहुत बड़ी ज़मीन होती है। ओके, सो ही हैज़ 20 acres ऑफ लैंड। कितनी ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन है उनकी। ओके, 20 acre, एकड़ के हिसाब से वो मेज़र किया जाता है। मधुबा वर्क्स हियर फॉर लाइवलीहुड। मधुबा अपने मतलब पैसे के लिए यहाँ पे वर्क करते हैं। सी वर्क्स फ्रॉम 8 o'clock मॉर्निंग टिल 4 o'clock इन द इवनिंग। देखो शाम के 4 बजे तक, मतलब कभी कभी समर सीज़न में
ज़्यादा हॉट सन होता है इसलिए 4 बजे तक वो लोग काम करते हैं। देखो, पर ज़्यादातर उनका जो काम होता है एक तो हॉट सन में होता है और हार्ड वर्क भी होता है, इसलिए 4 बजे तक उनको वर्क करना होता है। सी सोड सीड्स इन द फार्म, बीज बोते हैं। सी वीड्स एंड डज अदर वर्क ऑल्सो, आसपास के जो एक्स्ट्रा जो ग्रास वगैरह वीड्स होते हैं उनको रिमूव करना है, वो सब वो करते हैं। आफ्टर वर्किंग होल डे मधुबा गेट्स वेज इन द इवनिंग। इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड आउट वर्क फॉर एवरी डे, वेदर इट्स फार्म वर्क और अदर वर्क। देखो, पूरा दिन ये काम करते हैं बराबर, और उनके हिसाब से उनको पैसे भी मिलते हैं, और फिर ये जो पूरा दिन, इसके अलावा तो और कोई काम करना थोड़ा मतलब टफ होता है ना, कि अपने घर का काम करो और बाहर का भी काम करो। ओके, वन शी डिड नॉट गेट वर्क फॉर मेनी डेज टुगेदर। हाँ देखो, मैंने बोला ना कि फार्म में क्या होता है कि रोज़ ऐसे काम नहीं मिलता है, क्योंकि क्रॉप बीज बो दिए हैं तो फिर उनको कुछ दिनों के बाद तो वेट करना पड़ेगा, क्रॉप ग्रो होंगे, बड़े होंगे, फिर रेडी होंगे, फिर उनकी कटिंग वगैरह होगी। तो कभी कभी उनके पास कुछ दिनों के काम भी नहीं होता है। ओके, सो हैंस शी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम द लवजी भाई। तो इसलिए तब उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो क्या करते हैं वो लवजी भाई से कुछ पैसे उधार लेते हैं। ओके, सी वॉज इन अर्जेंट नीड टू मनी सिंस हर यंगर डॉटर फेल सिक, मतलब कि देखो कोई बीमार होता है ऐसा कोई हो, तो उन्होंने लवजी भाई से कुछ पैसे बोरो किए थे। एंड इट वॉज नेसेसरी टू रिटर्न मनी, और पैसे लिए हैं तो वापस करना भी ज़रूरी है ना, वो तो कंपलसरी है। ड्यूरिंग द पीरियड शी डिड नॉट इवन गेट वर्क। तो इस टाइम पे उनके पास काम भी नहीं था बराबर। तो एक बार एक मतलब ऐसा सिचुएशन था कि काम नहीं था, उनकी बेटी बीमार थी, इसलिए उनको पैसे उधार लेने पड़े। ओके, सो सी ओपन नेक्स्ट पेज। सो सी सोल्ड हर एंकलेट्स टू रिटर्न मनी टू लवजी भाई। देखो, लवजी भाई को पैसे चुकाने थे, तो उनके पास उस टाइम पे काम भी नहीं था, तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो इसलिए उन्होंने अपने जो एंकलेट्स मतलब के पैर में पहनने वाले होते ना वो ऐसे कड़े जैसे, वो उन्होंने बेच दिए ताकि लवजी भाई को पैसे रिटर्न कर सके। दिस हैपन्ड मेनी टाइम्स, ऐसा बहुत टाइम हुआ। इन एब्सेंस ऑफ फार्म वर्क शी यूज टू वर्क टू अदर फार्म्स एज वेल एज इन स्टोन माइन्स। देखो, ऐसे बहुत कुछ होता है कि फार्म में कभी कभी कुछ काम नहीं होता है तो उनको वहाँ पे मतलब पैसे नहीं मिलते हैं, तो वो अलग अलग जगह पे वर्क करते हैं, इसलिए वो कभी कभी पोस्टोइन माइन होती है ना, जो मतलब कि पहाड़ को खोद के वो बराबर, तो वहाँ पे वो स्टोन माइन्स में भी काम करने के लिए जाते हैं। सिंस शी इज ओल्ड शी कैन नॉट डू मोर वर्क, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। शी गेट्स इनहेस्टेड बराबर, तो उनको तकलीफ भी होती है क्योंकि वो उनकी एज हो गई है। हैंस हर हस्बैंड हेल्प्स हर इन हर हाउस होल्ड कोर्स, तो उनके हस्बैंड भी उनके जो घर काम में कुछ हेल्प करते हैं। दे कम बैक होम इन द इवनिंग, शाम को वो घर आते हैं। कंप्लीट हाउस होल्ड वर्क प्रिपेयर मील एंड देन दे ईट, फिर आके भी उनको थोड़ा घर का काम करना पड़े, फिर वो रसोई बनाते हैं और फिर खाना खाते हैं। देर आर मेनी सच पीपल्स इन द विलेज हु डू नॉट ओन देयर लैंड, तो गांव में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी खुद की ज़मीन नहीं होती है। सम पीपल हैव स्मॉल पीस ऑफ लैंड, किसी की बहुत थोड़ी सी ज़मीन होती है। स्मॉल लैंड होल्डर्स आर डिपेंड एंड रेनफॉल और फार्मिंग, और किसी किसी के वो कुएं वगैरह नहीं होते तो बारिश में बारिश के ऊपर वो डिपेंड होते हैं फार्मिंग के लिए। सम पीपल हैव टू माइग्रेट टू अदर प्लेस टू गेटिंग लेबर व्हेन देयर इज नो रेन, इसलिए कुछ लोग मतलब माइग्रेट करते हैं, मतलब एक गांव से दूसरे गांव चले जाते हैं
जब बारिश बहुत कम होती है तो, ओके, तो ये सब प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।